हेलो दोस्तों, रीमा भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों आज इसी कड़ी में हम एक अगला टॉपिक लेके आए। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाओं का टॉपिक है। दोस्तों आज ऐसी महिलाएँ जो स्वदेशी महिलाएँ हैं, जिन्होंने अपने दम पर जो एक रूढ़िवादी परंपरा सदियों से चली आ रही थी, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने उसका विरोध किया, उसको तोड़ने का प्रयास किया। समाज में ऐसा वर्ग महिलाओं का एक वर्ग, जिन्हें भारत को जो पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, मतलब पुरुषों की ऐसी धारणा बन गई थी कि महिलाओं को जो है समाज में सिर्फ मतलब घर का ही काम करना है, इन्हें जो है समाज में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का या समाज में आगे बढ़ने का या मतलब पूरा तरह से लीडिंग करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। तो इनके द्वारा इन्होंने कहीं ना कहीं जो है उनका उन विरोधी तत्वों का जो है मुंह बंद करने का इन्होंने काम किया, और सभी महिलाओं के लिए एक तरह से ये मिसाल बन गई। दोस्तों तो ये आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कौन कौन सी महिलाएं हैं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, इन्होंने समाज में कैसे किस तरह से जो है अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं बेगम हज़रत महल, सावित्रीबाई फूले, महारानी लक्ष्मीबाई, रामाबाई रानाडे, पंडिता रमाबाई, श्रीमती भिकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी, मातंगिनी हजारा, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, प्रीति लता वाडेकर, बीना दास, रानी गांडिल्यू और उषा मेहता। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों इस टॉपिक को आप ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अक्सर यहाँ से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आप ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं बेगम हज़रत महल, ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बेगम हज़रत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी और बिरदिश कादिर की माँ थी। दोस्तों इन्होंने 1857 में अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरदिश कादिर को गद्दी पर बैठा करके और इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बेगम हज़रत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरदिश कादिर को अवध की गद्दी पर बैठा करके इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद कैंपबेल ने जब लखनऊ पर अधिकार कर लिया तब इन्हें मजबूरन जो है यहाँ से जाना पड़ा और ये जा करके नेपाल में शरण लेती। नेपाल के शासक जंग बहादुर सिंह के यहाँ शरण लेती हैं और अपने मृत्यु पर्यंत जो है वो वहीं रहती हैं, नेपाल में ही रहती हैं ये बेगम हजरत महल। और 1879 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों 1869 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। सावित्रीबाई फूले दोस्तों, ये सावित्रीबाई फूले महात्मा फूले या ज्योतिबा फूले की ये पत्नी थी और ये पहली प्रशिक्षित शिक्षिका थी। दोस्तों सावित्रीबाई फूले ये पहली प्रशिक्षित शिक्षिका थी जिन्होंने महिलाओं के लिए अपना बहुत ही विशेष योगदान दिया। दोस्तों इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सेवा के लिए पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। दलित महिलाओं के लिए, दलित वर्ग के लिए पूरी तरह से जो एकदम समाज का जो तबका था उसके उत्थान के लिए इन्होंने जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। इन्होंने अपने पति महात्मा फूले के साथ मिलकर के इन्होंने कई संस्थाएं गठित की। तो इन्हें दोस्तों इनके द्वारा विधवा आश्रम और शिशु बालिका हत्या प्रतिबंध गृह जो है
इनके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों, विधवा आश्रम और शिशु बालिका गृह, शिशु बालिका हत्या गृह एक संस्थान जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों। इनकी रचना है दोस्तों इनकी, और 1848 में सावित्री बाई फूले महात्मा फूले के साथ मिल करके प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना करती हैं। 1848 में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो सावित्री बाई फूले के द्वारा किया जाता है। इनकी कई रचनाएं हैं दोस्तों। ये मराठी भाषा की कवित्री थी। इनकी रचनाओं में काव्य फूले बावन कसी सुबोध रत्नाकर, काव्य फूले बावन कसी और सुबोध रत्नाकर, ये किसकी रचनाएं हैं, तो सावित्री बाई फूले की रचनाएं हैं। कौन कौन सी सावित्री बाई फूले की रचनाएं हैं, काव्य फूले बावन कसी सुबोध रत्नाकर, ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। आइए अगला देख लेते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई। ये दोस्तों एक महान वीरांगना रानी थी, इनके बारे में हर कोई लगभग जानता है। इन्होंने अपने पराक्रम और शौर्य के दम पर इन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों। और अंग्रेज़ों के सामने झुकने से बेहतर इन्होंने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करना उचित समझा, लेकिन अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करना उचित नहीं समझा। इन्होंने 1857 की क्रांति में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और अपने अल्पवयस्क पुत्र दत्तक को इन्होंने सिंहासन दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया कि क्रांति में कूद पड़ी। 1857 की क्रांति में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और कूद पड़ी, और दोस्तों और इन्होंने अपने पराक्रम से अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेज़ों में एक ऐसा भय का माहौल बन गया, ऐसा वातावरण बन गया कि अंग्रेज़ों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला जो है इतना शौर्य और पराक्रम दिखा सकती है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि दोस्तों एक अंग्रेज़ अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि ये सब जितने भी क्रांतिकारी हैं इन सभी क्रांतिकारियों में एकमात्र पराक्रमी पुरुष अगर कोई है तो वो ये महिला जो अभी इस युद्ध स्थल में मृत अवस्था में पड़ी है, ये महिला नहीं, ये एकमात्र पुरुष है जिसने इतना शौर्य दिखाया, इतना अपने पराक्रम का जो है इन्होंने लोहा मनवाया, अंग्रेज़ों को भी इन्होंने लोहा मनवाया अपने पराक्रम का। रमाबाई रानाडे ये यम रानाडे की पत्नी दोस्तों, यानी महागोविंद रानाडे जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे दोस्तों। ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, यम रानाडे यानी महागोविंद रानाडे, और महागोविंद रानाडे की पत्नी कौन थी, रमाबाई रानाडे। इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके द्वारा देख लेते हैं हम इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। पुणे में सेवा सदन इन्होंने क्या किया, इन्होंने रमाबाई रानाडे ने पुणे में सेवा सदन स्थापित किया और उसकी स्वयं जो है संस्थापक अध्यक्ष बनी। पुणे में सेवा सदन स्थापित किया और उसकी स्वयं क्या बनी, संस्थापक अध्यक्ष, रमाबाई रानाडे। आर्य महिला समाज किसने स्थापित किया, तो रमाबाई रानाडे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन यहाँ आर्य महिला समाज की बात की जा रही है। तो पुणे में किसने स्थापित किया, रमाबाई रानाडे। हिंदू लेडीज़ सोशल क्लब
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रमाबाई रानाडे के द्वारा। हिंदू सोशल क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रमाबाई रानाडे के द्वारा। इन्होंने 1886 में महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने विश्वविद्यालय स्थापित किए। महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए 1886 में रमाबाई रानाडे ने क्या किया? उच्च विश्वविद्यालय की स्थापना की। महिलाओं को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया? उच्च विश्वविद्यालय की स्थापना की 1886 में। किसके साथ मिलकर के? तो अपने पति महागोविंद रानाडे के साथ मिलकर के। पंडिता रमाबाई ये पंडिता रमाबाई दोस्तों, पंडिता रमाबाई ये प्रतिभा की बहुत धनी थी। इन्होंने सिर्फ मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने 20,000 श्लोक याद कर लिए थे। इन्हें 20,000 श्लोक कंठस्थ हो गया था। पंडिता रमाबाई को मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में इन्हें 20,000 श्लोक कंठस्थ हो गए थे। इन्होंने 1881 में इनके द्वारा भी आर्य महिला समाज की स्थापना की जाती है। अभी हमने देखा कि आर्य महिला समाज की स्थापना रमाबाई रानाडे के द्वारा भी किया गया है, लेकिन आर्य महिला विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, या आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा भी किया गया है? इनके द्वारा भी किया गया है। नाम में भी देख लीजिए समानता है, यहाँ रमाबाई रानाडे है तो यहाँ पंडिता रमाबाई है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी इनमें समानता है। ये इन्होंने भी आर्य महिला समाज की स्थापना किया, इन्होंने भी आर्य महिला समाज की स्थापना किया। इनके द्वारा 1912 में इन्होंने गुलबर्गा में ईसाई हाई स्कूल की स्थापना 1912 में गुलबर्गा में किसके द्वारा किया गया? तो रमाबाई के द्वारा। मुंबई में इन्होंने 2 शिक्षा सदन स्थापित किए, एक शारदा सदन और दूसरा कृपा सदन। शारदा सदन और कृपा सदन मुंबई में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पंडिता रमाबाई के द्वारा। शारदा सदन और कृपा सदन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो पंडिता रमाबाई के द्वारा। इन्हें मूल नाम तो इनका रमाबाई था, लेकिन इन्हें पंडिता और सरस्वती, इन्हें 2 उपाधियों से नवाजा गया था। पंडिता और सरस्वती इन्हें 2 उपाधियों से नवाजा गया था। इन्होंने सेवा सदन और कृपा सदन 2 शैक्षणिक संस्थान कहाँ स्थापित किए थे? तो मुंबई में। इसके बाद है अगला श्रीमती भिकाजी कामा। इन्होंने भारतीय क्रांति में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीमती भिकाजी कामा, इन्होंने विदेशों में भारतीय क्रांति की एक अलग जगह दी। इन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो श्रीमती भिकाजी कामा को। इन्होंने इंग्लैंड, लंदन, जर्मनी, अमेरिका आदि शहरों में इन्होंने जो है भ्रमण करके और क्रांति की, भारतीय स्वतंत्रता का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। विदेशों में भी रह के इन्होंने क्रांति को अनवरत प्रयासीय करती रहीं। इन्होंने 1907 में पहली बार किसी महिला के द्वारा विदेशों में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने झंडा फहराया। और वो झंडा, चूँकि उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो इन्होंने वहाँ ब्रिटेन का झंडा फहराने से इनकार कर दिया और इन्होंने स्वयं झंडा तैयार करके जो है क्या किया, वह लहराया। वो झंडा जो है वो आज के जैसा नहीं था, कुछ अलग था, लेकिन इन्होंने ब्रिटेन का झंडा लहराने से इनकार कर दिया। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी। कस्तूरबा गांधी, इन्होंने महात्मा गांधी के हर पहलू, हर क्षण, हर कदम पर इन्होंने
महात्मा गांधी का साथ दिया, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, हर आंदोलन में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। हर कदम पे इन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया, हर क्षेत्र में इन्होंने उनका अग्रणी भूमिका निभाई। यहाँ तक कि जेल में भी उनके साथ रहीं, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जब जेल में गए थे तो जेल में भी महात्मा गांधी के ये साथ रहीं, जेल में भी महात्मा गांधी के साथ रहीं, तो इनकी भी बहुत अग्रणी भूमिका रही है। दोस्तों, मातंगिनी हजारा इन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है, मातंगिनी हजारा को गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहाँ तक कि इनके बाएं हाथ में गोली लग गई थी। दोस्तों, विद्रोह हो गया था, इन्होंने उसका नेतृत्व कर रही थी, लगभग काफ़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करके इन्होंने एक तरह से आंदोलन शुरू कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होती है, भगदड़ में भीड़ में अंग्रेज़ गोली चला देते हैं और इनके बाएं हाथ में गोली लग जाती है, लेकिन इन्होंने झंडा छोड़ा नहीं। दोस्तों, झंडा इनके हाथ से छूटा नहीं, इन्होंने बाएं हाथ में झंडा पकड़ लिया, इसके बाद पुनः अगले हाथ में गोली लग गई, मतलब ये मृत्यु को स्वीकार कर ली, लेकिन इन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। तो ऐसी ऐसी महान नारियाँ वीरांगना हमारे देश में थी, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन तिरंगे को कभी नीचा नहीं होने दिया। हमें आज भारतीय जनता को, भारतीय लोगों को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए और प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए और अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना चाहिए। इसके बाद है सरोजिनी नायडू। आप सभी लोग इनके नाम से वाकिफ हैं और ये एक महान कवित्री, महान समाज सुधारक, महान क्रांतिकारिणी, इन्होंने हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, सरोजिनी नायडू। इसीलिए इन्होंने गीत की रचना भी की है, इंडियन सॉन्ग की रचना भी की है, इनके द्वारा की गई है। इसीलिए इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, भारत कोकिला, नाइटिंगल ऑफ इंडिया जैसी उपाधि से इन्हें नवाजा गया है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला और नाइटिंगल ऑफ इंडिया के उपाधि जैसी उपाधियों से इन्हें नवाजा गया है। सरोजिनी नायडू के द्वारा महिला विश्वविद्यालय और अनाथ आश्रम स्थापित किए गए। महिला विश्वविद्यालय और अनाथ आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो सरोजिनी नायडू के द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कानपुर में किसके द्वारा की गई थी, तो ये सरोजिनी नायडू के प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। इन्होंने महिला समाज और आश्रम यानी अनाथ आश्रम, महिला विश्वविद्यालय और अनाथ आश्रम इनके द्वारा किया गया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मित्रों, देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं थी इनकी। गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ब्रोकन विंग, गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया और ब्रोकन विंग, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ इंडिया और ब्रोकन विंग। सुचेता कृपलानी, ये
जे बी कृपलानी की ये पत्नी थी सुचिता कृपलानी, और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है, तो सुचिता कृपलानी के द्वारा। भारत की अगर कोई महिला मुख्यमंत्री रही हैं प्रथम, तो यही रही हैं सुचिता कृपलानी। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। इन्होंने महिला विभाग, इनके द्वारा कौन सा विभाग स्थापित किया गया था, तो इनके द्वारा महिला विभाग और अंडरग्राउंड वाल्टियर फोर्ट की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अंडरग्राउंड वाल्टियर फोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सुचिता कृपलानी के। अंडरग्राउंड वाल्टियर फोर्ट और महिला विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सुचिता कृपलानी के द्वारा की गई थी। अगली हैं अरुणा आसफ अली और सुचिता कृपलानी। अरुणा आसफ अली और उषा मेहता के साथ मिल करके सुचिता कृपलानी ने सुचिता कृपलानी ये आंदोलनों में सक्रिय रूप से इन्होंने भूमिका निभाया। अगली हैं अरुणा आसफ अली। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं देख लेते हैं हम लोग। अरुणा आसफ अली ये 1958 में ये पहली बार दिल्ली की मेयर चुनी गई, प्रथम महिला मेयर थी। दिल्ली की मेयर के रूप में चुनी गई, लेकिन भारत की ये प्रथम महिला मेयर थी। कौन? अरुणा आसफ अली। 1964 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार से नवाजा गया। 1964 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार से नवाजा गया अरुणा आसफ अली को। इनके हस्बैंड उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे और राजदूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, अम्बेसडर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसके बाद इन्हें 1964 में अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार से नवाजा गया। 1991 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया अरुणा आसफ अली को। यूएनओ की ये प्रथम महिला अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी अरुणा आसफ अली। इनके द्वारा कई संस्थान स्थापित किए गए, जैसे नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ऑल इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो अरुणा आसफ अली के द्वारा। इन्होंने ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उपाध्यक्ष थी ये। कौन? अरुणा आसफ अली। इसके बाद हैं प्रीति लता वाडेकर। ये IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी की ये सदस्य थी। प्रीति लता वाडेकर ऑल इंडियन रिपब्लिक आर्मी की ये सदस्य थी। ऑल इंडियन रिपब्लिक आर्मी वही जिसका गठन किसने किया था, मास्टर सुरसेन ने जिसका गठन किया था। IRA और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की ये सदस्य थी और ये सूर्यसेन की शिष्या भी थी। मास्टर सूर्यसेन की ये शिष्या थी। आगे चल के IRA की ये सैनिक नियुक्त होती हैं। आगे चल के ये क्या होती हैं, प्रीतिलता वाडेकर IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी की ये सैनिक नियुक्त होती हैं, मतलब उसी की
कंपनी में ये भर्ती हो जाती हैं और इन्होंने जीवन पर्यंत जो है अपनी सेवा दी, जीवन पर्यंत इन्होंने अपनी सेवा दी। बीना दास ये एक छात्र संघी थी। इन्होंने कलकत्ता के विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में 6 फरवरी 1932 को इन्होंने जैक्सन पर, मतलब दीक्षांत समारोह में मेडल प्राप्त करते समय इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जैक्सन पर इन्होंने कलकत्ता के दीक्षांत समारोह में, जो 6 फरवरी 1932 को हो रहा था दीक्षांत समारोह, उस पर इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जैक्सन पर इन्होंने, बीना दास ने गोली चला दिया। इसके बाद इन्हें क्या होती है, सज़ा हो जाती है। बाद में 1946 से 1951 तक ये बंगाल के विधानसभा की ये सदस्य भी रहती हैं। बंगाल के विधानसभा की सदस्य ये रहती हैं कब, 1946 से 1951 तक ये क्या रहती हैं, बंगाल विधानसभा की ये सदस्य रहती हैं। इन्होंने कई रचनाएं की हैं, जैसे श्रृंखला संस्कार और पितृधन किसकी रचना है, तो इन्हीं की रचना है, श्रृंखला संस्कार और पितृधन, श्रृंखला संस्कार और पितृधन ये इनकी रचना है, श्रृंखला संस्कार और पितृधन ये इनकी रचना है बीना दास की। रानी गांडिल्लू ये नागालैंड की रानी थी, और जादो नांग की ये शिष्या भी थी और उनकी उत्तराधिकारी भी थी। रानी गांडिल्लू जादो नांग की शिष्या भी थी और उनकी उत्तराधिकारी भी थी। जादो नांग की मृत्यु के बाद सत्ता इनके हाथों में आ गई, रानी गांडिल्लू की। इन्होंने हमेशा संघर्ष किया, अंग्रेज़ों का इन्होंने विरोध किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्होंने कर न देने का आंदोलन चलाया। 1932 में इन्हें आजीवन कारावास हो जाता है। आजीवन कारावास क्यों होता है, क्योंकि इन्होंने एक नागाओं की एक फौज पूरी तैयार कर ली थी, इन्होंने नागाओं की पूरी एक सशस्त्र फौज तैयार कर ली थी। लगभग 40,000 नागा सशस्त्र बलों को संगठित करके इन्होंने क्या किया कि असम राइफल की चौकियों पर 40,000 नागा सशस्त्र विद्रोहियों को या सैनिकों को एकत्रित करके इन्होंने असम राइफल की चौकियों पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, रानी गांडिल्लू को गिरफ्तार करके 1932 में इन्हें आजीवन कारावास कर दे दिया जाता है, आजीवन कारावास। इसके बाद भारत जब आज़ाद होता है, नेहरू की सरकार बनती है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाता है और रिहा करने के साथ साथ इन्होंने हमेशा संघर्ष किया। ये नागालैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहती थी, ये भारत में रहना नहीं, मतलब नागालैंड को भारत का हिस्सा ये नहीं चाहती थी, रानी गांडिल्लू। इसके बाद इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, रानी गांडिल्लू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बिरसा मुंडा पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो कई महत्वपूर्ण इन्हें पुरस्कार दिया गया रानी गांडिल्लू को। इसके बाद है अगला
अगली हैं उषा मेहता। उषा मेहता, उषा मेहता इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब सभी जो सभी बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जब गिरफ्तार कर लिए गए, तो इन्होंने खुफिया तरीके से जो है कांग्रेस के 1942 में कांग्रेस की रेडियो, मतलब पहली बार जो है ये भूमिगत रह करके जो है कांग्रेस में रेडियो के माध्यम से जो है इन्होंने प्रचार प्रसार किया। रेडियो के माध्यम से इन्होंने पहली बार जो है ये प्रसारण किया, इन्होंने पहली बार जो है प्रसारण किया। किसने? तो उषा मेहता ने। इन्हें गांधी स्मारक निधि का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। गांधी स्मारक निधि का इन्हें क्या किया गया? अध्यक्ष बनाया गया। किसे? उषा मेहता को। उषा मेहता को गांधी स्मारक निधि का अध्यक्ष बनाया गया। और गांधी प्रतिष्ठान की यह सदस्य थी। उषा मेहता गांधी प्रतिष्ठान की क्या थी? सदस्य थी। गांधी शांति प्रतिष्ठान की ये सदस्य थी। गांधी शांति प्रतिष्ठान की ये सदस्य थी। और बाद में इन्हें जो है इन्हें इनके कार्यों के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि बातें हमारी लगभग लगभग कंप्लीट हो गई। इनसे जितने भी जुड़े फैक्ट थे, इन्होंने जो जो भी कार्य किया था, लगभग लगभग हर किसी के ऊपर चर्चा हुई। इसके बाद डिटेल से बाद में कभी फिर जब इतिहास शुरू से पढ़ाया जाएगा तो वहाँ चर्चा होगी। लेकिन एग्ज़ाम की व्यू से, परीक्षा व्यू की दृष्टि से जितना भी महत्वपूर्ण था, जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, लगभग हमने हर पहलुओं पर चर्चा किया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।